नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ध्यान की विधि जिस ध्यान की सहायता से आप परम शांति को महसूस करने में सक्षम हो पाएंगे। यदि आप थोड़ा सा अभ्यास करें, बिल्कुल आधारभूत, बिल्कुल बेसिक तो मैं नहीं कहूंगा इस विधि को, थोड़े अनुभव, थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा समय लगाएंगे, थोड़े मन की शक्ति को लगाएंगे, ज़रूर आप मन से पार हो पाएंगे। यह ध्यान की क्रिया बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। जब हम इस ध्यान को लगाते हैं तो हमारे शरीर की पूरी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जैसे कि हम अपने शरीर से अलग हो गए, जैसे कि हमारी शक्ति हमारे शरीर से अलग हो गई। कुछ बातें इस ध्यान के बारे में जान लेनी ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप सिर्फ इस ध्यान की क्रिया को बैठकर कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को जो बिल्कुल ही बीमार थे, हॉस्पिटल में भी मैं गया हूँ कई लोगों को यह ध्यान करवाने के लिए, और बिल्कुल जो बैठ ही नहीं सकते उनको लेटकर करवाया है। लेकिन मेरे अनुभव में अगर आप बैठ के करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और दूसरी मुख्य बात जान लेनी ज़रूरी है कि आपका सुषुम्ना स्वर चलता हो यह ध्यान करते समय। सुषुम्ना स्वर अर्थात दोनों नासिका छिद्रों से बराबर मात्रा में आप श्वास को ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं। यदि आप ऐसा करने में संभव है तो यह बहुत ही अच्छा समय है। प्रकृति का संदेश है कि आप इस त्रिनेत्र ध्यान में उतरें। त्रिनेत्र ध्यान मैंने इसे नाम दिया है क्योंकि भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी है, तीसरे नेत्र का आप अर्थ समझें कि जो दो नेत्रों से नहीं दिख पा रहा, या जितना दो नेत्रों से दिख पा रहा है तीसरे नेत्र की क्षमता उससे अधिक है। हम तो केवल भूत और वर्तमान के ही साक्षात्कार हैं, केवल हम वर्तमान और भूतकाल को ही जानते हैं, लेकिन भगवान शिव त्रिकाल को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। कैसे तीसरा नेत्र आपको वर्तमान में लेकर जाएगा, कैसे आप तीनों काल के स्वामी भगवान शिव के आशीर्वाद से इस त्रिनेत्र ध्यान में उन्नति प्राप्त करेंगे, यह मैं आज आपको बताऊंगा। जब आप सीधे बैठ जाएं, सुषुम्ना स्वर आपका चलता हो, अपने हाथ की 10 उंगलियां, अंगूठा नहीं, सिर्फ उंगलियां ऐसे रखें सिर पर, एक बार, दो बार, और फिर दूसरी दो उंगलियां इसके ऊपर। जो 10 उंगली के ऊपर वाला यह बिंदु है, जो यह स्थान है जो 10 उंगली ऊपर है, धीरे धीरे अपने मन की शक्ति को वहाँ 10वीं उंगली पर लेकर जाने का प्रयास करें। मैंने कहा मन की शक्ति को, मन को नहीं, क्योंकि मन तो पीछे ही छूट जाएगा, मन तो वहाँ ध्यान में आपके साथ होगा ही नहीं। जो भी मन में है, बुद्धि तो पहले ही छूट जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जो भी जानकारियाँ इकट्ठी की, जो भी इमोशंस मन में थे, जो भी भाव मन में थे, अच्छे बुरे, दुर्भाव, सुविचार, सब पीछे छूट जाएंगे। उनकी सीमा सिर्फ यहाँ तक है, आपके सहस्रधार तक। जैसे ही आप अपने ध्यान की शक्ति को 10 उंगली ऊपर उठाएंगे, लगभग इतना 8 से 9 इंच का जो फासला आप तय करेंगे, जब अपने ध्यान की शक्ति को वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ रोकेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर एक मंदिर का आकार ले लेगा। आपने मंदिर का गुंबद देखा होगा, मंदिर की शिखा देखी होगी, इस आकार की है वो। ऐसे ही हमारा शरीर धीरे धीरे शक्ति रूप में उस मंदिर के शिखर पर जब आपका ध्यान लगने लगेगा, आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी सुषुम्ना के माध्यम से, सुषुम्ना की सहायता से, और आप
आनंद की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, उस आनंद के सागर में गोते लगाएंगे जहां से आप कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। शुरू शुरू में तो उस बिंदु को खोजना ही कठिन है जो कि हमारे सिर के 10 उंगल ऊपर स्थित है। हमारी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा अभ्यास इस कार्य को करने में सक्षम है। आप मेरा विश्वास करें, मेरी बात को आप मानें और इस ध्यान में उतरें। जैसे ही आप, अगर शुरू में ऐसा होगा छूट छूट जाएगा, एक बार याद रहेगा हाँ 10 उंगली का बिंदु ये था, फिर भूल जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास होने लगेगा, लगभग 2 से 3 हफ्तों के पश्चात आपको उंगली भी लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले नापना पड़ेगा, फिर उसके बाद नापने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति होता है एक्सपीरियंस है जिसको बोल देता है हाँ ये चीज़ 2 फुट की है, ये 3 फुट की है, ये इतने इंच की है, आँखों से ही उनको आइडिया लग जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उनको। ऐसे ही जब आप ध्यान के अनुभव को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे और जब आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, बिना उंगलियों से नापे ही आपको आभास हो जाएगा वो 10वीं उंगली का बिंदु कहाँ स्थित है। जैसे ही आप आँख बंद करेंगे आपका पूरी ध्यान की शक्ति उस बिंदु पर पहुंच जाएगी और आप कुछ अभ्यास के पश्चात ही महसूस करेंगे कि आप शारीरिक रूप से कितने हल्के और मानसिक रूप से कितने शांत होते जा रहे हैं। जैसे ही आपका ध्यान उस बिंदु में स्थित होने लगे मतलब पहले तो छूट छूट जाएगा, पहले होगा कि आप बिंदु ही भूल जाएंगे, दूसरा ये होगा कठिनाई कि आप ध्यान छूट जाएगा, वहाँ से कहीं और ध्यान चला जाएगा, जैसे बादलों में खो जाता है ना वो बिंदु, वैसे खो जाएगा, ऐसे लगने लगेगा अरे पकड़ में नहीं आता, ऐसे बोलेंगे आप, ऐसे सोचेंगे। लेकिन धीरे धीरे वह बिंदु बल्ब के आकार से, शुरुआत में वह बल्ब के आकार का होगा, लगभग ऐसे आपके सिर के ऊपर स्थित, लेकिन धीरे धीरे वह छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वो सुई के बिंदु के आकार का, सुई की नोक होती है ना जैसी, वैसे इतना छोटा हो जाएगा वो शक्ति का बिंदु जो आपके सिर के 10 उंगली ऊपर स्थित है। आप इस ध्यान को करें और अपने आप को साधना मार्ग में उन्नत करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।